नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। केरल विधानसभा में भारी हंगामा, विधायक हुए घायल। बार रिश्वतखोरी मामले में फंसे केरल के वित्त मंत्री के एम मणि ने शुक्रवार को विधानसभा में भारी हंगामे के बीच बजट पेश किया। विपक्षी एलडीएफ विधायकों ने मंत्री को बजट पेश करने से रोकने के लिए भारी हंगामा किया। एलडीएफ सदस्यों और वॉच एंड वार्ड स्टाफ के बीच हाथापाई भी हुई। विधानसभा अध्यक्ष का आसन फेंका गया। हंगामे के बीच हुई झड़प में दो विधायक घायल हो गए। विधानसभा के बाहर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। एलडीएफ के विधायक सत्तारूढ़ मोर्चे पर दबाव डालने के लिए कल रात विधानसभा परिसर में ही रुके थे। केजरीवाल पर एक और सनसनीखेज खुलासा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। गुरुवार को सामने आए एक टेप से यह पता चलता है कि किस तरह केजरीवाल ने मुस्लिमों का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। इसमें वे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लहर को रोकने के लिए मुसलमानों के पास आपके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग में केजरीवाल को कहते हुए सुना जा रहा है कि मुसलमान आपसे यह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वे उनके समुदाय के कई उम्मीदवारों को उतारेगी। वे सिर्फ यह चाहते हैं कि पार्टी नरेंद्र मोदी को हराए। प्रशांत भूषण ने किया मेल में रबर स्टाम्प नहीं रहूंगा। आम आदमी पार्टी के भीतर चल रही उठापटक के बीच प्रशांत भूषण द्वारा पार्टी के पीएससी को पिछले साल भेजा गया एक ईमेल अब सामने आया है। इसमें उन्होंने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पर नाखुशी जताई थी। उन्होंने कहा था कि वे पार्टी का फैसला करने वाले शीर्ष निकाय में रबर स्टाम्प की तरह नहीं रहेंगे। भूषण के साथ योगेंद्र यादव को इस महीने की शुरुआत में पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति से बाहर कर दिया गया था। पिछले साल नवंबर के उत्तरार्ध में एक ईमेल संवाद में भूषण ने कहा था कि आप दिल्ली चुनाव जीतने को लेकर इतनी व्यग्र हैं कि वह उम्मीदवारों का चयन मात्र जीतने की क्षमता के आधार पर कर रही है।